तीन गरीब प्रेग्नेंट बहू को खाना खिलाने आई दुर्गा माँ, पाखी, सौम्या, किंजल, तीनों अनाथ और गरीब बहनें मंदिर में देवी माँ की पूजा कर रही थीं। दरअसल वह दुर्गा माँ की बहुत बड़ी भक्त थी। दानव दल पर टूट पड़ो माँ, करके सिंह सवारी, सौ सौ सिंहों से तू बलशाली, अष्ट भुजाओं वाली, दुष्टों को तू ही लल कारती, ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। आरती करके तीनों बहन घर की तरफ लौट रही थी कि अचानक से तेज रफ्तार में आती कार उनके सामने रुकती है। कार से तीन लड़के बाहर निकल कर आते हैं और वो उन तीनों लड़कियों को देखते ही रह जाते हैं। अरे, आपको ठीक से कार चलानी नहीं आती है तो चलाते क्यों हैं? वही तो, बड़ी मुश्किल से बचे अभी हम तीनों। अगर कुछ हो जाता तो हमसे बुरा कोई नहीं होता। ओ हेलो, गुर गुर के क्या देख रहे हो? तीनों लंगूर कभी लड़की देखी नहीं है क्या? हम कुछ बोल रहे हैं समझ नहीं आ रहा क्या? जी वो बस ऐसे ही गलती हो गई, सॉरी। हम भी तेज गाड़ी चला रहे थे, लेकिन आपको भी अपने आसपास ध्यान रखना चाहिए था। हाँ हाँ बिल्कुल, अगर आपको हेल्प चाहिए तो हम आपको गाड़ी में बिठा कर घर छोड़ देते हैं। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। देखिए, अगर आप ऐसे मना करेंगे तो हमें लगेगा आपने हमें माफ नहीं किया है। हम शरीफ लड़के हैं, आप कुछ गलत मत समझिए। ठीक है। फिर तीनों लड़कों को तीनों लड़कियां रास्ता बताती हैं, जिसके बाद वो उन्हें घर छोड़ देते हैं। दो दिन बाद उन लड़कों की मुलाकात लड़कियों से फिर से हो जाती है, जिससे धीरे धीरे उनकी बातचीत बढ़ती है और बात यहाँ तक पहुँच जाती है कि वो तीनों लड़के और लड़कियां एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और आखिरकार शादी कर लेते हैं। फिर तीनों भाई अपनी पत्नियों को लेकर घर पहुँचते हैं तो उनकी माँ सुमित्रा गुस्से से कहती है, ये सब क्या है? तुम तीनों ने मेरे बिना रजामंदी के अपनी पसंद की लड़कियों से शादी कैसे कर ली? और इनकी सूरत तो देखो, ऐसा लग रहा है जैसे सड़क से उठकर आई हूँ। वही तो भैया, इन तीनों लड़कियों में आपने ऐसा क्या देखा जो इन्हें इस घर की बहू बना लिया? पूजा, तुम इस तरह से अपनी भाभियों की इंसल्ट नहीं कर सकती हो। माँ, हम तीनों अपनी पत्नियों से बहुत प्यार करते हैं और बेहतर होगा आप इन्हें अपनी बहू मान लें, वरना हम यहाँ से चले जाएंगे। देख देख रही है ना पूजा, तू कैसे तेरे तीनों भाई जिनको मैंने पाल पोस कर बड़ा किया, कैसे धमकी दे रहे हैं आज घर में रहने के लिए। ठीक है, मैं मजबूर माँ हूँ, रह लो तुम सब अपनी प्यारी पत्नियों के साथ, मैं क्या ही कह सकती हूँ। माँ जी आशीर्वाद। ऐ दूर रहो तुम तीनों अभी मुझसे, मेरे बेटों को तो तुम तीनों ने मुझसे दूर कर लिया, चुन चुन कर बदला लूंगी मैं। फिर सुमित्रा दिल पर पत्थर रखकर उनका गृह प्रवेश कर देती है। अगले दिन तीनों बहू घर का काम करने लगती हैं तो सुमित्रा उनके काम में नुक्स निकाल कर कहती है, तुम तीनों को इस घर की बहू बनने का शौक था तो फिर ये क्या काम कर रही हो तुम? बाकी ऐसे सफाई होती है, यहाँ तो पानी पोछा लगाना भी नहीं आता। और तू सौम्या, खाना ऐसे बनाते हैं? नमक तो नहीं लगा मुझे? ओ छोटी वाली बहन किंजल, ये इतनी धूल जम रही है, यहाँ पर कौन साफ करेगा? तुम हो ही गरीब कहीं की, आ गई मेरे बेटे के नसीब में, अच्छे से सफाई करो। जी माँ जी। तभी सास की डांट सुनकर तीनों बहू अच्छे से काम करती हैं। दिन गुजरते हैं, फिर सुमित्रा ही नहीं नंद भी अपनी माँ के साथ मिलकर अपनी तीनों मासूम भाभियों को परेशान करती थी, बार बार घर का काम करवाती थी, कभी ढेर सारे कपड़े धुलवाया करती थी। इस बीच तीनों बहू प्रेग्नेंट हो जाती हैं, लेकिन सास और नंद बिल्कुल खुश नहीं होती हैं। ओहो माँ, इतने महीने से हम तीनों को परेशान कर रहे, लेकिन ये घर से जाने का नाम नहीं ले रही, अब तो इनके सपूत भी आने वाले हैं। मैं नहीं चाहती इन मनहूस लड़कियों को पूरा लाइसेंस मिल जाए कि इस घर में रहने के लिए, इसलिए इनके बच्चों को ही गिरा देते हैं, भर भर के भारी काम करवाए इन तीनों से। हाँ माँ। अरे तुम तीनों कहाँ हो, जरा इधर आओ। जी माँ जी। मुझे अपने कमरे का सेटअप अच्छा नहीं लग रहा है, तो पलंग इधर कर दो, अलमारी उधर, खिसका दो तीनों मिलकर, और टेबल भी इधर उधर कर देना, जम नहीं रहा है जब तक हम दोनों बाजार जा रहे हैं। जी माँ जी, पर ये भारी होगा, हम तीनों कैसे करेंगे? ज्यादा नाजुक कली बनने की जरूरत नहीं है। इतना कहकर माँ बेटी शॉपिंग करने चले जाते हैं और तीनों बहुत मुश्किल से सुमित्रा के कमरे को जचाती है। कुछ दिनों बाद तीनों बेटे एक हादसे में गुजर जाते हैं,
जिससे पूरे परिवार पर कहर टूट पड़ता है और सुमित्रा भला बुरा कह के अपनी तीनों बहू को घर से बाहर निकाल देती है, जिसमें तीनों बहू को 6 महीने की गर्भवती होते हुए भटकना पड़ता है। हे भगवान, चलते चलते पांव दर्द हो गए और हमारे बच्चों को भी भूख लग रही होगी। दीदी, अब हम क्या करें, हमारा तो कोई ठिकाना ही नहीं है। परेशान मत हो, यहाँ से कुछ दूर पर दुर्गा माता का मंदिर है, वहाँ भंडारा हो रहा होगा और पानी भी वहीं से ही पी लेंगे। आखिर हमें हमारे बच्चों का भी तो ख्याल रखना है, ये हमारे पति की आखिरी निशानी है। हाँ दीदी, ये कहकर तीनों दुर्गा माता के मंदिर पहुंचकर भंडारा और पानी ग्रहण करती हैं। फिर कुछ दूरी पर चलकर एक खाली झोपड़ी को अपने रहने लायक बनाकर वहाँ आराम करती हैं। हे देवी मैया, हमारी रक्षा करो और हमारे बच्चों का ख्याल रखना। छत तो आ गई है, लेकिन अपने बच्चों को खाना खिलाने के लिए कोई अन्य दूसरा सहारा नहीं है, अब क्या करें? मैं बाहर जाकर कुछ इंतजाम करती हूँ। किंजल कुछ काम देखने जाती है मगर कुछ हासिल नहीं होता है। पता नहीं हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, हमारे पति भी चले गए हमें छोड़कर। हे माता रानी, कुछ तो कीजिए। अरे तुम दोनों को याद है कल से नवरात्रि है, क्यों ना हम माता रानी का व्रत करें, शायद माता रानी कुछ चमत्कार कर दे। हाँ बिल्कुल ठीक कहा सौम्या। तीनों भूखी गर्भवती बहनें अगले दिन बड़ी श्रद्धा से दुर्गा माता की मिट्टी की मूरत बनाकर उनकी पूजा करती हैं। नवरात्रि के दूसरे दिन ही एक बूढ़ी औरत उनके घर जाकर कहती है, बेटी मेरे पास रहने का कोई ठिकाना नहीं है, क्या मैं तुम्हारे साथ यहाँ रह सकती हूँ? जी माँ जी आइए, हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। उसकी चिंता तुम मत करो, अब मेरे पास कुछ सामान है। फिर बूढ़ी औरत अपने थैले से कुछ फल निकाल कर उन्हें खिला देती है और नवरात्रि के 9 दिन तक उनके साथ रहती है, ख्याल रखती है और अपने हाथ से व्रत का खाना बनाकर भी खिलाती। फिर एक दिन तीनों की आंखों से आंसू आ जाते हैं। क्या हुआ बेटी, तुम तीनों की आंखों में आंसू क्यों है, मुझसे कुछ भूल हुई? अरे नहीं नहीं माँ जी, इतने प्यार से ना हमारी माँ ने कभी हमें खिलाया ना सास ने, हम अनाथ बहने हैं ना, तो शायद आज हमें माँ का प्यार महसूस हुआ आपसे, इसलिए आंखों में आंसू आ गए। हाँ माँ जी, आप आ गई हैं तो लगा है कि कोई अपना है, और आपने हमारा कितना ख्याल रखा उसके लिए शुक्रिया। तो क्या हुआ, मेरा भी कोई नहीं है, तुम मेरी बेटी समान ही हो, मैं हूँ तुम्हारे पास। कुछ महीनों बाद तीनों के पेट में अचानक से दर्द होने लगता है, तभी वह बूढ़ी माँ दुर्गा माँ के रूप में दर्शन देती है और उनके दाएं हाथ से तीनों के पेट पर रोशनी पड़ती है, जिससे उन तीनों की संतान उनकी गोद में आ जाती है और तीनों दुर्गा माँ से कहती हैं, दुर्गा माँ इतने समय से आप हमारे साथ ही थी, आपने हमारा ख्याल रखा, हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा। दुर्गा माँ, आपके हाथ से खाना खाकर, आपके दर्शन पाकर हम धन्य हो गए, हमारी संतान बहुत भाग्यशाली है कि वो आपसे जन्मी है। आपको कोटि कोटि नमन दुर्गा माँ। मेरी प्यारी पुत्रियों, मैं हमेशा से ही तुम्हारी सेवा भक्ति से अत्यंत प्रसन्न रही हूँ और तुम्हें ऐसे कष्ट में नहीं देख सकती थी, इसीलिए तुम्हारा स्वयं ख्याल रखने चली आई। मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि कभी किसी चीज की तकलीफ नहीं होगी, सदा खुश रहोगी और तुम्हारी संतान भी स्वस्थ रहेगी। दुर्गा माँ के इतना कहते ही वो अंतर्ध्यान हो जाती हैं और उनकी झोपड़ी एक अच्छे घर और जरूरत के सामान और पैसों में तब्दील हो जाती है। इसके बाद तीनों माता रानी को नमन करके एक साथ खुशी खुशी अपने बच्चों के साथ रहती हैं। अंबिका अपनी दोनों बहू के साथ माता रानी की पूजा कर रही थी। ओम जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी, ओम जय अम्बे गौरी। बोलो अम्बे मात की जय। खड़े खड़े पैर दुख गए मेरे तो, माँ जी मैं अपने कमरे में जाऊं क्या? एक मिनट बहू, अभी माता रानी की पूजा की है और तू सुबह सुबह उबासी ले रही है, अभी तो सोकर उठी है, कमरे में कहाँ जा रही है? मैं तो बस ऐसे ही माँ जी।
काम कौन करेगा अगर तू कमरे में चली जाएगी? माँ जी मैं कर लूंगी। वो तो मुझे पता है तू करेगी, छोटी बहू काम कहाँ करती है इतना, जब देखो काम से बचती रहेगी, मुझे सब मालूम है। खैर दो दिन बाद नवरात्रि है तो तुम्हारी पहली नवरात्रि के लिए तुम्हारी माँ ने घर बुलाया था तो कल चले जाना। अरे हाँ माँ जी मैं तो भूल ही गई, ठीक है मैं पैकिंग कर लेती हूँ। कितने दिनों बाद हम मायके जाएंगे? हाँ जाओ मायके रह लो, मैं यहाँ पूजा कर लूंगी, और तुम तो 10 दिन बाद ही आओगी दशहरा करके। हाँ माँ जी कल चली जाऊंगी, लेकिन मैं आज आपको नवरात्रि का आधा सामान लाकर तैयार कर दूंगी, जिससे आपको बाहर ना जाना पड़े, चुन्नी नारियल कपूर, ठीक है माँ जी? हाय मेरी प्यारी बहू, यही तो मुझे तेरी बात अच्छी लगती है कि तुझे सबका ख्याल है। जी माँ जी। हाँ हाँ कर लो अपनी लाडली काली बहू को प्यार, नौकरानी का काम करके माँ जी का दिल जीत लेती है, जो कि मुझसे होने से रहा। खैर अब मायके जाकर आराम से पैर पसार के रहूंगी, नो काम ओनली आराम। फिर दोनों बहू चाय नाश्ते की तैयारी कर अपनी सास के साथ चाय नाश्ता करते हैं। दोनों के पति ऑफिस पहले ही चले जाते हैं। फिर शाम को राधिका नवरात्रि के लिए माता की मूर्ति, चुन्नी, नारियल और पूजा की बाकी सामग्री लाकर पूजा घर में रख देती है, और अगले दिन दोनों बहनें शादी के बाद नवरात्रि मनाने के लिए मायके जाती हैं। तभी यशोदा अपनी गोरी बेटी को देखकर गले लगा लेती है। अरे अरे मेरी प्यारी बेटी आ गई, कितना याद कर रही थी मैं तुझे, कितनी सुंदर लग रही है शादी के बाद, और एक एक काली वैसी की वैसी है कलूटन। माँ नमस्ते, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ राधिका बेटी, आ अंदर चलकर बैठते हैं, और तू बैग लेकर खड़ी क्या है, जाकर शरबत बना कर ला मेरी बेटी और मेरे लिए। ठीक है माँ। तू जा ना बना कर ला। फिर सौम्या बैग लेकर अपने कमरे में रख देती है और रसोई में जाकर शरबत बनाती है कि उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। बचपन से माँ के प्यार के लिए तरस रही हूँ, सोचा था शादी के बाद यहाँ से ससुराल चली जाऊंगी तो मैं माँ को याद आऊंगी, लेकिन मैं गलत थी, माँ तो अभी भी मुझसे ऐसा व्यवहार कर रही है जैसे कि मैं सौतेली हूँ। हे माता रानी, क्या मेरा कालापन कभी मुझे माँ का प्यार नहीं दिला पाएगा? मैं इतनी बुरी हूँ, लेकिन इस बार इस नवरात्रि पर मेरी यही इच्छा है कि मुझे माँ का प्यार मिल जाए। अरे आई नहीं तू, कुएं में शरबत बनाने गई है क्या? नहीं माँ बस आई, हो गया। ये कहकर सौम्या अपनी माँ और बहन को शरबत दे देती है। इसके बाद वो वहीं शरबत बैठकर पीती है। तू यहाँ क्यों बैठी है, तुझे दिखाई नहीं देता मैं अपनी बेटी से बात कर रही हूँ? यहाँ क्या हमारी बातें सुनने के लिए आई है? चल जा मेरे सामने से, तू यहाँ पर नहीं थी ना तो ही अच्छा था, मजबूरी है मेरी, कहीं तेरी सास के सामने मेरी इज्जत ना डूब जाए इसलिए तुझे भी बुला लिया। माँ मैं तो आपसे बात करने के लिए बैठी थी, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था कि मैं आपकी बातें सुनूं, मुझे भी आपसे ढेर सारी बातें करनी है। तुझे पता है ना माँ मुझे ज्यादा प्यार करती हैं, तुझे नहीं करती हैं, तो जा ना, खड़ी क्यों है? और क्या, जा यहां से। सौम्या वहां से अपने कमरे में जाकर रोने लगती है। लगता है माँ हमेशा ही मेरे साथ ऐसे रहेंगी, चाहे मैं कितनी भी कोशिश कर लूं। बचपन का वो दिन भी याद है जहां मुझे समझ आ गया था कि अब राधिका मुझसे नफरत करती है। 10 और 12 वर्षीय राधिका और सौम्या कंजिका खाने किसी के घर पर गई थी, जहां एक औरत अपनी बेटी मानवी से कहती है, मानवी तो इस काली लड़की को क्यों लाई, अरे अच्छे अच्छे घर के गोरे बच्चों को लाती, अब मुझे अपना अच्छा सामान इसको भी देना पड़ेगा। कोई बात नहीं माँ, आप कन्या पूरी करनी है तो मैं ऐसे ले ही आई। आओ बच्चों बैठो। फिर कमला उन्हें अंदर बिठा कर कन्या पूजन करती है, जिसमें कमला कन्याओं को अच्छे कपड़े देती है। वो दोनों घर आती हैं तो राधिका को अपने कपड़े अच्छे नहीं लगते हैं। वाओ ये ड्रेस तो मुझ पर बहुत खिलेगी। तभी राधिका को सौम्या के कपड़े देखकर जलन होती है और वो उसके हाथों से खींच लेती है। इतनी सुंदर ड्रेस तेरे पास क्यों है, मेरी ड्रेस तू रख और मैं ये पहनूंगी अब। ये तो क्या कर रही है राधिका, तू मुझे अपना कुछ भी नहीं दिखाती है, कम से कम ये ड्रेस तो मुझे पहनने दे, माँ भी मुझे नए कपड़े नहीं दिलाती हैं। ज्यादा बोल मत, तू काली है और मैं गोरी हूँ तो ये ड्रेस मुझ पर ही ज्यादा खिलेगी, समझी, पकड़। शायद यही लिखा है मेरी जिंदगी में। तभी अंबिका का कॉल सौम्या को आता है, वो उसकी राजी खुशी ले लेती है और फोन रख देती है।
अगले दिन पहली नवरात्रि थी, जहां पूजा की सारी तैयारी सौम्या ने की थी और उसने माता रानी का बेहद सुंदर मंदिर बनाया। उस पर फूलों की डेकोरेशन देखकर राधिका कहती है, ये कैसा माता रानी का मंदिर सजाया है पुराने जमाने का। अरे वो न्यू ट्रेंडी फूल लेकर आती ना और केर इस सजावट को हटा दे सौम्या, मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा। राधिका ये तो क्या बोल रही है, आधे घंटे में पूजा शुरू करनी है। तुझे मेरी बेटी की बात समझ नहीं आती क्या, उसकी मायके में पहली नवरात्रि है, वैसा ही होगा जैसे वो चाहती है। जी माँ। तभी सौम्या ऑर्किड्स लाकर फटाफट मंदिर सजा देती है, जिसके बाद सब मिलकर पूजा करते हैं। पूजा की तैयारी में राधिका का कोई हाथ नहीं था। तभी एक कन्या छोटी सी पुराने कपड़ों में द्वार पर आती है। दीदी खाना दे दो, भूख लग रही है, मैंने बहुत दिन से खाया नहीं है। अरे हटट, अभी नहीं, 9 दिन बाद आना, अभी थोड़ी है कन्या भोजन। राधिका ये तुम क्या कर रही हो, आज से नवरात्रि शुरू है, क्या पता माता रानी घर आई हूँ। बेटा रुको, तुम, मैं अभी कुछ लेकर आती हूँ। तू ही झेल ये फालतू चीजें। तभी सौम्या उस छोटी सी बच्ची को भरपेट खाना खिला देती है और वह चली जाती है। इसी तरह नवरात्रि के 9 दिन तक सौम्या ही पूजा की तैयारी कर रोज पूजा करती है, व्रत रखती है और 9वें दिन कन्याओं को खाना खिलाकर सभी लोग बंगाली लोगों की तरफ से लगाए गए काली माता के पंडाल में पहुंच जाते हैं, जहां बड़ी तादाद में लोग सिंदूर से खेलकर एक दूसरे को सिंदूर लगा रहे थे। बड़ी बड़ी आरती के दिए लगाए गए थे। अंबिका और राधिका काली माता की पूजा कर रही थी कि अंबिका के पल्ले में आग लग जाती है और राधिका दूर हो जाती है। कोई बचाओ, बचाओ, मुझे आग लग गई, आग, राधिका बेटा बचा ले मुझे। मैं नहीं आ सकती, मुझे डर लग रहा है कहीं मैं जल गई तो। हेल्प, समबडी हेल्प। माँ माँ आपको कुछ नहीं होने दूंगी, अपनी चुन्नी लाओ। तभी सौम्या टेबल से मोटी चादर लेकर अपनी माँ के पास जाती है, उसे बचाती है और पानी पिलाती है। माँ आप ठीक तो है ना, आपको कुछ हुआ तो नहीं ना। ठीक हूँ, पर तूने मेरी जान बचाई है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं राधिका को बुलाती रही लेकिन वो नहीं आई, तू आई। मैं बचपन से तुझे कालेपन की वजह से प्यार नहीं दे पाई और जिसे किया उसे मेरी कोई परवाह ही नहीं है। काली माता ने मुझे सजा दी है, मैंने उनके 9 रूप में से काले रूप की भी पूजा की थी लेकिन मैं तेरा मोल नहीं समझ पाई, इसलिए आज मेरे साथ ये हुआ। पर बेटा अब से मैं तुझे प्यार करूंगी, मुझे माफ कर दे, सगी माँ होकर भी मैंने तेरे साथ सौतेला व्यवहार किया है। अरे माँ आप माफी मत मांगिए, मैं आपसे बहुत छोटी हूँ, पर मुझे इस बात की खुशी है कि आपको अपनी गलती का एहसास है और अब मुझे माँ का प्यार मिलेगा। सिर्फ माँ का प्यार नहीं, बहन का प्यार भी मिलेगा। मुझे माफ कर दे सौम्या, बचपन से मैंने भी तेरे साथ बहुत गलत किया है, तुझे कालेपन के ताने दिए हैं, शायद मुझे अपने गोरेपन का घमंड हो गया था, लेकिन अब से हम साथ साथ हैं। हाँ मेरी बहन। इस तरह सौम्या को उसकी माँ और बहन से खोया हुआ प्यार और सम्मान वापस मिल जाता है और दशहरा मनाने के बाद दोनों बहन एक साथ मायके और ससुराल में खुशी खुशी रहने लगती हैं।